सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि संविदा वर्ग एक और वर्ग दो में बाल विकास आ रहा है। बाल विकास एक बहुत ही अलग ही आपका सब्जेक्ट रहेगा जो कि आप और दूसरे एग्जाम में नहीं पढ़ते हो, और इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से आते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक का, एक चैप्टर का नाम है बुद्धि। तो बुद्धि से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं बताने के लिए आपको तीन बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि कोई भी टॉपिक होता है तो उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए आपको कि बुद्धि होती क्या है। इसके बारे में जो परिभाषाएं दी हैं तो किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या कहा, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बुद्धि क्या होती है यहाँ से आपको पता चल जाएगा पूरी की बुद्धि क्या है यहाँ पर सारा। इसके बाद दूसरा आपको मालूम पड़ जाएगा कि बुद्धि के बारे में यहाँ से पूरा आपको मालूम पड़ जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद किसने इसके बारे में क्या बोला है, किसने क्या परिभाषा दी, वो यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा है। आप बुद्धि की परिभाषा किसने क्या दी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वुडवर्थ ने क्या कहा है, आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि कार्य करने की विधि है ये किसने बोला है, तो आपको मालूम होना चाहिए विधि है वुडवर्थ ने बोला है। और इसके अलावा बुद्धि के कुछ सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिद्धांत आपको करना है। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किसने दिया, किस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको पता होने चाहिए। ये तीन टॉपिक आपके रहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत ही देख लेते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको तीन खंड रखना है, खंडों में विभक्त हैं। आपसे पूछा जाए कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, दो खंड बुद्धि के सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत और बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत, इसके बाद समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत। ये पांच ऐसे सिद्धांत हैं जो खंडों से संबंधित शब्द इसमें आ रहा है। तो आपसे अगर दो और तीन का पूछा जाता है कि दो खंड तीन खंड बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए, तो दोनों के कौन है, दोनों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। एक का कौन है, एक खंड बुद्धि के सिद्धांत के विनय है, दूसरा तीसरा के स्पीयरमैन है। अब एक दो तीन तो यहाँ पे हो जाते हैं, इसके बाद आपको मिलेंगे बहुखंड और समूह खंड। तो बहु माने बहुत से हैं, समूह मतलब समूह वाले, तो बहुखंड में आपको याद रखना है थार्नडाइक। बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थार्नडाइक, और समूह खंड के कौन है, थर्स्टन। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर सकते हो, देखो यहाँ पे समूह में थर्स्टन रहते हैं और बहुखंड बहुत सारे खंड थार्नडाइक है ना, ऐसे कर लो। देखो यहाँ पे थार्नडाइक जो शब्द है बहुत बड़ा शब्द है, इसके बहुत सारे खंड किए जा सकते हैं, कितने खंड किए जा सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन थर्स्टन एक एक ही समूह में रहने वाला शब्द है। इसके बाद आपको याद करना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे विनय, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, थार्नडाइक और थर्स्टन दोनों था से हैं, एक बहुखंड का एक समूह खंड का है। थार्नडाइक है बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, थर्स्टन है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। इसके बाद आप नीचे चलते हो तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कुछ सिद्धांत और हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला 10 नंबर का इंपॉर्टेंट है, 9 का भी इंपॉर्टेंट है। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलोगे आरबी केटल। जैसे यहाँ पे लिखा है तरल ठोस, यहाँ पे है आरबी केटल, ठीक, आरबी तरल ठोस, आरबी केटल। बुद्धि का और खा का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि खा का सिद्धांत दिया हैव ने, किसने दिया, हैव। आपको याद रखना है कि बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत दिया हैव ने, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है आरबी केटल ने। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इसको, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने, और बुद्धि काका का सिद्धांत दिया हैव ने, तरल ठोस का दिया आरबी केटल, ध्यान रखना तरल ठोस आरबी केटल, बुद्धि का और बुद्धि खा हैव, इसको ध्यान रखना, और त्रिआयामी गिलफोर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे दो आपके और रह गए यहाँ पे, एक है आपका न्यादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत, और एक है पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत। तो देखो पदानुक्रमिक और यहाँ पे न्यायदर्श या प्रतिदर्श, इसके हैं थॉमसन, और पदानुक्रमिक कौन है, बर्ट और वर्नन,
सारे याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आपको ये कैसे भी करके लिख लेना है और याद करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।